अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो का दूसरा पार्ट शाम में आएगा। इस पार्ट में टोटल हम 5 सवालों को लेंगे, जबकि 4 सवाल अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, एक आदमी को चोट लगी है हाथ में, एक कंपनी में काम करता है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जहां पर आपने कमेंट किया था वहीं पर आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहां तक आपने मुझसे पूछा है कि एक आदमी को चोट लगी हाथ में, वो एक कंपनी में काम करता था, इसके बारे में बात करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर वर्कर काम के दौरान में, चाहे वो ड्यूटी पर जा रहा हो या ड्यूटी से वापस आ रहा हो, इसी तरह काम कर रहा हो, अगर उसको किसी तरह की चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है, तो कंपनी के ऊपर में जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वर्कर का इलाज करे। इसी तरह मान लीजिए आप किसी दूसरी सप्लाई कंपनी में काम करते हैं, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके ऊपर में ज़रूरी है कि वो इलाज करे। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, क्या इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। असलम भाई, ये सवाल इन्होंने कतर में होने वाले दोहा एक्सपो 2023 जो होने वाला है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो करके 28 मार्च तक होगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप दोहा एक्सपो में किस तरह अपनी छोटी दुकान बना सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये सवाल है कि क्या हम इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कतर से बाहर अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पर आपको कतर से बाहर रह कर के भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। कतर से बाहर का भी कंट्री है, वो कंट्री भी आप लोगों को शो करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कतर से बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कतर से बाहर से अप्लाई करने में ये दिक्कत है कि आप लोगों को वीज़ा कैसे मिलेगा, पहले पहले आप लोगों को ये सोचना होगा। लेकिन आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई करके ज़रूर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, सर मैं कतर से आया हूँ, कंपनी ने CID के ज़रिए भेजा है, क्या मैं दोबारा कतर जा सकता हूँ या नहीं। अगर कंपनी वाला किसी वर्कर को CID के ज़रिए भेजता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भेजने से पहले वो CID में रिपोर्ट किया होगा कि ये वर्कर कंपनी छोड़ करके भाग चुका है, यानी कि उसका बला गुरूब लग चुका होगा। बला गुरूब लग जाने के बाद अगर कोई वर्कर CID के ज़रिए घर जाता है तो उसको दोबारा कतर आने के चांस बहुत कम रह जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा है आपका कतर आने के चांस बहुत कम है, या अगर आप आना ही चाहते हैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपको 12,000 रियाल फाइन पे करना पड़ेगा CID में, उसके बाद आपकी नो एंट्री ओपन होगी, इस तरह आप कतरा सकते हैं। अगला जो सवाल है ये सवाल नेपाली में है, आप में से जो लोग नेपाली हैं इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको हिंदी या उर्दू में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से 80-90% लोग ऐसे होंगे जो कि हिंदी या उर्दू समझते हैं। इस भाई का कहना है कि मुझे नेपाल आए हुए 4 महीना हो गया है, कितने दिन के अंदर में मुझे कतर जाना होगा। इसको किसी ने बताया 6 महीना, जबकि किसी ने बताया कि 5.5 महीना के अंदर कतर जाना होगा, सही बात क्या है मुझे बताइए। यहाँ पर मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो लोग कतर से बाहर अपने मुल्क में जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं, अगर उन लोगों का इकामा 6 महीना के लिए वैलिड होता है, 6 महीना मतलब 180 दिन, अगर इतने दिनों तक के लिए वैलिड होता है, वो 180 दिन से पहले तक रुक सकता है, यानी कि 177-178 दिन तक रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप 6 महीना ही रुकना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि 177 या 178 दिन से ज़्यादा न हो, अगर इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको मसला हो सकता है। ऐसा इससे पहले हो चुका है कि एक आदमी को कतर एयरपोर्ट गए हुए 180 दिन हो गया था, वहाँ पर उसको इमिग्रेशन में रोक लिया गया, कंपनी वाले को फ़ोन करने के बाद में फिर उस आदमी को रिलीज़ किया गया। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 177 दिन या 178 दिन रुकें, बल्कि मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा 170 या 175 दिन से ज्यादा आप क्रॉस मत करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में जाते हुए फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो आपका 180 दिन से जैसे ही क्रॉस होगा आपके लिए फिर कतर में जाने के लिए कंपनी की तरफ से एंट्री परमिट चाहिए, बिना एंट्री परमिट के आप नहीं जा सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ये बात ख्याल रखें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने मुल्क में 177 दिन रुकें, इससे ज्यादा मत रुकें, कम से कम 2 दिन पहले आप कतर चले जाएं। आज के लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने कहा है, भाई 1 मिनट की वीडियो इतनी लंबी चौड़ी मत करो। दोस्तों, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो जो बनाता हूँ 3.5 मिनट की, 4 मिनट की या कभी कभी 5 मिनट तक की वीडियो हो जाती है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ डिटेल के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों को इतना डिटेल के साथ में बता देता हूँ कि आप लोगों को सुनने के बाद में कुछ भी डाउट बाकी नहीं रहता है। तो मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत हों, 3 से 4 मिनट कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।